मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट खबर पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें यूएमबी न्यूज को। और किस जिले की मौसम जानकारी आप जानना चाहते हैं, हमको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा पूरे देश के मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने रविवार को कहा कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान भारत के मध्य भागों में और 15 अगस्त से 17 अगस्त के दौरान उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सक्रिय मानसून की स्थिति की संभावना है। मौसम विभाग ने 18 अगस्त तक कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। IMD ने 40 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं प्रशासन ने यह भी जानकारी दी है कि लगातार हो रही बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बताया जा रहा है कि राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिले जलमग्न हो गए हैं। अपने दैनिक बुलेटिन में विभाग ने 15 से 17 तारीख तक यूपी में गरज के साथ छिटपुट भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। IMD ने रविवार को कहा कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान भारत के मध्य भागों और 15 से 17 अगस्त तक उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सक्रिय मानसून की स्थिति की संभावना है। 18 अगस्त तक कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी भी की गई है। IMD ने 40 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना भी है। वहीं प्रशासन ने यह भी जानकारी दी है कि लगातार हो रही बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बताया जा रहा है कि राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिले जलमग्न हो गए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से बारिश थमी हुई थी, लेकिन बीती रात से लगातार बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिक MS तोमर की माने तो आने वाले 2 दिनों तक तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। 14 अगस्त से शुरू हुई बारिश 17 अगस्त तक जारी रहने की संभावना है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के अंदर औसत 21 इंच से अधिक बारिश हो चुकी है, जो कि सामान्य से अच्छी मानी जा रही है। मौसम वैज्ञानिक MS चौहान का कहना है कि निम्न दबाव का क्षेत्र ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट के पास बंगाल की उत्तर पश्चिमी खाड़ी के ऊपर है। सम्बद्ध चक्रवाती परिसंचरण मध्य शोभ मंडल स्तर तक फैल रहा है, जिसके चलते चक्रवात उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ने की संभावना है, जिसके कारण 14 अगस्त की शाम से ही बारिश शुरू हो गई है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर और पश्चिमी राजस्थान के जालौर, नागौर और पाली जिलों में बिजली की चमक के अलावा बादलों की गरज के साथ बारिश होने की संभावना है, जिसे देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, सीकर, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर जिलों में और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने के अलावा हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी जताई है। दूसरी तरफ राजस्थान के अधिकतर शहरों में वायु प्रदूषण सूचकांक अच्छे से संतोषजनक श्रेणी में है और इस हफ्ते भी इसी श्रेणी में रहने के अनुमान है। आइए जानते हैं इस सप्ताह राज्य के प्रमुख जिलों में मौसम कैसा रहेगा। छत्तीसगढ़ मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में अगले 2 से 3 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। रायगढ़, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद जिलों में अगले 24 घंटों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली, गरियाबंद, रायपुर, दुर्ग और धमतरी जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है। उत्तर बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के क्षेत्र बनने और उसके प्रबल होने। ये जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम आपको हर दिन ताज़ा अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहें।